बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? हैकर, हैकर, हैकर। रुको जरा, जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? कोई बात नहीं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। No, God, please, no! निकलो हाथ जोड़ के मैं। Can you speak English? Fuck you! खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे आ रहा सभी लोग? अभी के टाइम में अपने का इस पबजी लाइट में एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो भाई हमें गेम को भाई अच्छे से खेलने नहीं दे रही, और उसका नाम है भाई क्रेश। क्रेश क्रेश, बहुत ज्यादा बंदे इसी से भाई परेशान है। क्या आप भी गाइस क्रेश प्रॉब्लम से परेशान है? अरे हाँ भाई हाँ। और आपको गाइस कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ मेरे को मालूम है भाई, अपने गेम में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई। सबसे बड़ी ये क्रेश प्रॉब्लम है ये भाई, मतलब भाई थोड़ा सा मैच खेलते और भाई गेम से बाहर फेंक दिया जाता, फिर गाइस हमें गेम के अंदर भी नहीं जाना दिया जाता, मतलब भाई सारा मजा हमारा खराब कर देते। हम तो यही सोच के चलते थे भाई आज जीतेंगे कल जीतेंगे, लेकिन रोज आते हैं क्योंकि भाई गेम से बाहर फेंक दिया जाता है। एक तो ये ऊपर से प्रो प्लेयर आते हैं गेम में, और भाई ये क्रेश प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा भाई, मतलब भाई पूरा गेम का मजा ही नहीं लेने देते। हम तो यही सोच के चलते भाई अभी तो चिकन डिनर लेना ही लेना, बट भाई गेम से बाहर फेंक दिया जाता। आपको भी भाई ऐसे किया होगा आपके साथ? तो देखो इस अपने गेम को भाई पबजी लाइट को भाई बैन हुए 2 साल, मतलब 2.5 साल तो हो चुके हैं, वो केजू जी ने कहा जैसे भाई परेशान हो गए हम लोग। तो देखो गाइस अगर आपको भाई इस वाली गेम को पबजी लाइट को चलाना है तो भाई वीपीएन तो यूज करना पड़ेगा, जिससे भाई गेम में अच्छी पिंग भी चाहिए, और क्रेश प्रॉब्लम को ठीक करना है तो भाई फिर एक और वीपीएन यूज करना पड़ेगा। तो भाई लोग आपको पता ही भाई मैं कौन कौन से भाई वीपीएन यूज करता हूं, तो भाई सबसे पहले आता भाई मेरा गैलेक्सी वीपीएन, क्योंकि वीपीएन तो अपना बैन हो चुका है तो भाई गैलेक्सी वीपीएन ही आता। और दूसरे नंबर पर आता भाई मेरा सिंगापुर वीपीएन, जिससे भाई गेम अच्छे से चल जाता और क्रेश प्रॉब्लम बिल्कुल ही कम आता, तो भाई मेरे में तो बिल्कुल कम आता, बट भाई बहुत सारे कुछ मतलब कुछ कुछ बंदों के भाई मतलब आता है क्रेश प्रॉब्लम उस वाले वीपीएन में भी। और गाइस भाई मेरे को पता भाई अपना ये वाला क्रेश प्रॉब्लम भाई किसी अपडेट में ठीक होगा, क्योंकि भाई ये वीपीएन से तो बस 4-5 मैच अच्छे से हम खेल सकते, बट भाई क्रेश प्रॉब्लम को पूरा ठीक नहीं कर सकते, ये बस अपडेट में ठीक हो सकता है, जो गाइस आप समझ गए होंगे, जो भाई बहुत सारे बंदे भाई कमेंट करके बताते भाई सब कुछ अपडेट में ठीक होगा। तो भाई लोग मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले लेके आ चुका, और इस वाले गेम प्ले को लास्ट तक देखना बनता, मतलब कि गाइस मजा आ जाएगा भाई लास्ट तक जरूर देख के जाना। तो गाइस मैं खेल रहा था भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड, और आ चुका ओल्ड बेसिन में, मुझे लगा था यहाँ पे बंदे आएंगे बट एक भी बंदा नहीं आता, तो भाई जल्दी से लूट कर लेता, यहाँ पे सब कुछ तो मिल ही जाता। तो भाई जल्दी से जैसे भाई मेरी लूट कंप्लीट होती है यहाँ पे, तो भाई मैं उठाने आ जाता भाई बगी, यहाँ पे भाई गाड़ी के नाम पे बगी पड़ी हुई थी, तो भाई बगी उठा के मैं बंदों को ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी गाइस मेरे को पीछे की तरफ से भाई साउंड आता गाड़ी का, जो कि गाइस आपको भी दिख गई होगी, तो भाई मैं इसी बंदे का पीछा करते हुए इधर की तरफ आता। अब मुझे यहाँ पे खुले में और भी बंदे दिख जाते, तो भाई चलो पहले इनको निपटाना है, और गाड़ी भी अभी आने वाली। और भाई गाड़ी वाले बंदे को भाई क्या ही उतारा अभी के टाइम में भाई, ये हाई डैमेज वाली गन भाई, न्यू गन जो आई है भाई G36 से भाई, इससे भाई चलाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, इसी की वजह से भाई मैं गेम बहुत ज़्यादा खेलता भाई, बहुत अच्छा लगता भाई G36 से भाई गेम में चलाना। अब भाई सामने की तरफ मेरे को एक और बंदा दिख जाता जो भाई बहुत दूर जा चुका, और मेरे पास में तो भाई ये क्लोज वाली गन है, तो भाई दूर में तो नहीं मार सकता, तो भाई मैं उठाता यहाँ से बगे और उसी बंदे को निपटाने के लिए चला जाता भाई उसी के पास, और यहाँ पर ये पहले ग्लिच देखो, तो भाई चले निपटाता इसको। अब चलो भाई इस वाले बंदे को भी निपटा दिया, तो भाई इसकी पेटी तो मैं लूट नहीं सकता क्योंकि भाई खुले में बनी हुई है, तो पेटी और इसका टीममेट किधर भी हो सकता है, तो भाई मेरी इजी पेटी बना देगा। अब भाई मैं बगे लेके भाई सेंट्रल रोड की तरफ आता हूँ इधर बंदे को ढूंढते हुए, और यहाँ पर भाई मुझे एक टीम के भाई 3 बंदे मिल जाते, तो भाई चलो निपटाते इनको, इन्जॉय करो बस।
रुको जरा। और इसी के साथ भाई ये वाली टीम हो जाती है खत्म। तो गाइस पसंद आया क्लच तो भाई लोग लाइक करो भाई, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से वीडियो आगे जाएगी तो भाई लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया। और भाई जब भी मैं सेंट्रल रोड के आसपास में होता ना, सबसे ज्यादा भाई मुझे रेड जोन का डर लगता है भाई, कभी भी भाई ये जिंदा नहीं छोड़ता मुझे। तो भाई मैं इस वाले घर में आ जाता, थोड़ी देर रुक जाता, जैसे भाई रेड जोन खत्म हो जाता भाई जल्दी से बगी उठा के भागता। मुझे पता भाई रेड जोन फिर से भाई सेंट्रल रोड में बनेगा, तो भाई यहाँ से बगी उठा के मैं बंदों को ढूंढते इधर की तरफ आता और इधर मिलते कुछ और है। अब चलो भाई इन वाले बोटो की तो पेटी बना दी भाई। एम्पोर्स वाला का भाई हिट इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है भाई, जो बंदों को भाई निपटाता। अब यहाँ से मैं बगी उठा के भाई और बंदों को ढूंढने के लिए जा रहा था, और देखो भाई मेरे साथ आगे क्या होता, जो कि गाइस आपको भी मालूम पड़ गया होगा। ये क्या हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? और भाई आगे की तरह भाई पूरा गेम खराब हो जाता है भाई, क्रेश प्रॉब्लम आ जाता। अब भाई मैं गैलेक्सी वीपीएन यूज कर रहा था, तो भाई अब मैं गेम में वापस तो नहीं जा सकता। अगर भाई मैं सिंगापुर वीपीएन यूज कर रहा होता तो भाई शायद मैं गेम में वापस चला जाता, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस यही था आज का गेम प्ले, अगर भाई लोग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। बस हवा निकल गई।